नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग में सभी शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी किया अहम आदेश। जामनगर रिफाइनरी से रिलायंस देगा अब बिहार को ऑक्सीजन। बिहार में पोषण ट्रैकर ऐप से अब की जाएगी लाभुकों की निगरानी। जदयू ने अपने हर कार्यक्रम को 15 मई तक टाला। इसके साथ ही बिहार कांस्टेबल की पीटी परीक्षा हुई स्थगित। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पोषण ट्रैकर ऐप से अब की जाएगी लाभुकों की निगरानी। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर पोषण ट्रैकर ऐप को राज्य भर में लागू किया जा रहा है। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर पूर्व से राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने वाले कैश एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। इसके माध्यम से बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान सहजता से हो पाएगी। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 करोड़ से अधिक लाभुक है। इस ऐप पर अब तक 21 अप्रैल तक 44,41,578 लाभुकों के डेटा को फिट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन की मदद से आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिला, धात्री महिलाएं, 0 से 3 एवं 3 से 6 साल के बच्चों को लाभ मिलेगा। भारतीय नौसेना में नौकरी का सुनहरा मौका। भारतीय नौसेना ने आर्टिफिशियर अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवार नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जो कि 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आर्टिफिशियर अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास में मैथ्स फिजिक्स के साथ होना अनिवार्य है। इनमें से किसी भी विषय में 60% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर्स पद के लिए उम्मीदवारों का 12वीं कक्षा में मैथ फिजिक्स या इनमें से कोई भी एक विषय जिसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सारण के चिरांद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के समीप घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। चिरांद ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल इन दोनों कालों का जीता जागता गवाह है, जहां खुदाई करने पर बौद्ध काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रामाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सन 1962-1963 में प्रोफेसर बीपी सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले थे। इसकी कार्बन तिथि ईसा पूर्व 4900 ज्ञात हुई है। कोविड-19 से बचाव में नहीं होगी बजट की कमी। बिहार में कोविड-19 हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। हर दिन आ रहे मामलों ने सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठकर सामने आ रहा है कि क्या बिहार सरकार कोविड-19 के इलाज के लिए खर्च किए जाने वाले बजट को वहन कर पाएगी या नहीं। इसको लेकर ही राज्य में कोरोना काल की विकट परिस्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने खजाने से पैसे की निकासी और बजट के खर्च का उचित प्रबंधन करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है, ताकि राज्य की वित्तीय सेहत बेहतर बनी रहे और कोरोना की आपात स्थिति को देखते इसके रोकथाम और बचाव में कहीं से पैसे की कोई कमी नहीं हो। हालांकि बजट के खर्च में आपदा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। जामनगर रिफाइनरी में रिलायंस देगा अब बिहार को ऑक्सीजन। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हर दिन मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसी बीच ऑक्सीजन की कमी होने की बात कही गई है। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक चिकित्सा स्तर की ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। RIL के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार कंपनी को पत्र लिखे तो बिहार को भी चिकित्सा स्तर की ऑक्सीजन की सप्लाई 48 से 72 घंटे के अंदर हो जाएगी। बिहार कांस्टेबल की पीटी परीक्षा हुई स्थगित। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, आम से लेकर खास लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण कई परीक्षाएं भी अब तक स्थगित की जा चुकी है। इसी क्रम में बिहार पुलिस चालक सिपाही परीक्षा के 1772 पदों पर भर्ती के लिए 7 मई से शुरू होने वाले फिजिकल टेस्ट को स्थगित कर दिया गया है। बता दें 15 अप्रैल को लिखित परीक्षा के रिजल्ट आए थे, जिसके बाद 1772 पदों के लिए 7 मई को फिजिकल टेस्ट होना था। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन 3 जनवरी 2021 को किया गया था। हालांकि इससे पहले बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2020 को किया जाना था। बिहार में 101 अनुमंडलों में जल्द ही बनेंगे क्वारंटीन सेंटर। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोविड-19 के माहौल में प्रवासियों को वापस बिहार लौट आने की अपील करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी अनुमंडलों में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इसको लेकर सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि आने वाले समय में जब श्रमिक आए और इस क्वारंटीन सेंटर में रहे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी उठानी ना पड़े। आपदा विभाग ने सभी 101 अनुमंडलों में क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए DM को भी निर्देश भेजा है, ताकि उनके सहयोग से सभी अनुमंडल में एक एक क्वारंटीन सेंटर बन सके।
कोविड 19 को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। बिहार में कोविड 19 को लेकर पटना हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रही है। इसके तहत सरकार के रवैये को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए सरकार से किन किन अस्पतालों में कितने बेड खाली है इस बात की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि राज्य सरकार के यह जिम्मेदारी है कि राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, कितनी जरूरत है और कितना उपलब्ध है, पूरा ब्यौरा प्रत्येक दिन आम लोगों को बताया जाए ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। अदालत ने सरकार को पूरे ब्यौरे के साथ अगली तारीख को तलब किया है। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। शिक्षा विभाग में सभी शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी किया अहम आदेश। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षा क्षेत्र ही हुआ है। इस बीच शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षण संस्थानों को लेकर अपना निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि गृह विभाग के आदेश पर सभी सरकारी और निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। प्राथमिक विद्यालय में जहां दो शिक्षक है वहां बारी बारी से शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। जहां दो से अधिक शिक्षक पद स्थापित है वहां प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया है। दूसरे राज्यों से लौटे कामगारों को बिहार में ही मिलेगा रोजगार। दूसरे राज्यों से लौटकर आए कामगारों को अब बिहार में ही रोजगार देने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण विभिन्न राज्यों से कामगारों का लौटना शुरू हो गया है। हालांकि सरकार इस बार कोशिश कर रही है कि जो भी श्रमिक वापस आ रहे हैं वो बिहार में ही अपना जीवन यापन करे। श्रम संसाधन विभाग ने प्रवासी कामगारों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6138 जारी किया है, जिस पर दूसरे राज्यों से कॉल आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर यह जानना चाह रहे हैं कि घर वापसी पर उन्हें काम मिलेगा या नहीं। पिछले साल वापस लौटे करीब 9.5 लाख कामगारों की स्किल मैपिंग कराई गई थी। 3.5 लाख प्रवासियों को रोजगार भी दिया गया था। इस बार भी स्किल मैपिंग की तैयारी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता, संपादक और हिंदी लेखक थे। उनका जन्म भारतीय राज्य बिहार में एक ब्राह्मण परिवार में बेनीपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने में 9 साल जेल में बिताए थे। वो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उन्होंने 1935 से 1937 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पटना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1937 भारतीय प्रांतीय चुनाव में भी वो हिस्सा ले चुके हैं। उन्हें 1957 में कटरा उत्तर से विधानसभा का सदस्य भी चुना गया था। बिहार में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है कोविड 19। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच भले ही सरकार ने पूरी तैयारी से बंदी नहीं लगाई है, लेकिन ट्रेनों का परिचालन अभी हो रहा है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव का असर ट्रेनों के पहिए पर देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो लगातार रेलवे में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या देखने को मिल रही है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित है। इनमें से कुछ ठीक हो गए हैं तो वहीं कुछ लोग अस्पताल में या सेल्फ आइसोलेशन में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हाजीपुर मुख्यालय से लेकर सभी 5 रेल डिवीजन में अधिकारी से लेकर कर्मचारियों तक में कुल 2200 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री से की खास अपील। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण और खासकर की पुलिसकर्मियों के कोविड 19 के चपेट में आने की खबरों के बीच बिहार पुलिस एसोसिएशन ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने पुलिस अस्पतालों को तत्काल कोविड अस्पताल घोषित करने और उनमें समुचित व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि पुलिसकर्मियों के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मृत्युंजय कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से आग्रह करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से पुलिस तंत्र सरकार की रीढ़ होती है। विषम परिस्थिति में अपने परिवार से दूर रहकर जान हथेली पर लेकर पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी के बेटे के गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कोविड 19 के कारण अपने बेटे को बीते दिन खो दिया। उनके बेटे का गुजर जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि आशीष येचुरी जी के निधन से मैं स्तब्ध और दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं श्री सीताराम येचुरी जी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख के इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। आपको बता दें, सीताराम येचुरी ने खुद अपने बेटे के गुजर जाने की जानकारी सुबह ट्विटर के माध्यम से दी है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान गुटखा खाने पर भरना होगा जुर्माना। सफर के दौरान बस ऑटो समेत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान गुटखा तंबाकू का सेवन करते आम लोग देखे जाते हैं। हालांकि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान गुटखा तंबाकू का सेवन करना महंगा पड़ने वाला है। अगर आप ये सब खाते पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल यह कदम कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिक और ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। एक दिन में 50% यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। जदयू ने अपने हर कार्यक्रम को 15 मई तक टाला। बिहार में कोविड 19 की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आलम यह है कि अस्पतालों में जगह भी मौजूद नहीं है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने कोविड 19 की परिस्थिति को देखते हुए अपने सभी कार्यक्रम को अगले महीने की 15 तारीख तक स्थगित कर दिया है। खबरों की माने तो फिलहाल कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीच संवाद का कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से चलता रहेगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार कार्यकर्ताओं और नेताओं को हर स्तर पर प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक रूप से योजनाएं बनाई गई थी। इसके साथ ही केवल बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने की में तैयारी की जा रही है। कोविड 19 प्रभावितों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी आई सामने। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत कोविड प्रभावित की सहायता के लिए कंट्रोल रूम का गठन भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कोरोना महामारी से पीड़ित की सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसके संचालन के लिए 6 सदस्यीय टीम को गठन कर दिया गया है, जिसका नेतृत्व आशीष कुमार करने वाले हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि प्रदेश में जिन कोरोना मरीजों तक सरकार की सहायता नहीं पहुंच रही, उन्हें यथासंभव सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से पार्टी ने कंट्रोल रूम का गठन किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह में दही जमने की कही बात। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच राजनीतिकरण भी जोर शोर से देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के 48 सांसदों के खिलाफ भी अपना मोर्चा खोल लिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना संकट में भी बिहार के केंद्र द्वारा की जा रही अनदेखी पर सीएम नीतीश कुमार क्यों मुंह में दही जमाए हुए हैं, बस यही हैसियत है। कहां है दो दो उपमुख्यमंत्री, कहां है बड़बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आरके सिंह और नित्यानंद राय। याद करो लालू प्रसाद यादव के राज में प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे के साथ साथ विशेष सहायता और राहत कोष बिहार को मिलता था। जदयू सांसद ललन सिंह ने संकट के समय तेजस्वी के बिल में घुस जाने की कही बात। कोविड 19 ने अपना फन बिहार में फैलाना शुरू कर दिया है। इसके बाद हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिकरण भी लगातार देखने को मिल रही है। इसी क्रम में जदयू सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब भी बिहार पर संकट की स्थिति आती है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना पुराना काम दोहराते हुए बिल में घुस जाते हैं। इतिहास गवा रहा है, तेजस्वी यादव ने कभी जनता के बीच में रहकर सेवा नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष बिल में घुसकर सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। ललन सिंह पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है, हाई स्कूल में एडमिशन भी उनका नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल गिलबर्ट एलियट मिंटो का 1951 में जन्म आज के दिन हुआ। वैज्ञानिक ने 1984 में एड्स के वायरस के बारे में आज के दिन पता लगाया था। सिखों के दूसरे धर्मगुरु अंगद का 1504 में जन्म आज के दिन हुआ। हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार जीपी श्रीवास्तव का 1889 में जन्म आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक भारत रत्न से सम्मानित सत्यजीत रॉय का 1992 में जन्म आज के दिन हुआ। 18 साल से ज्यादा के लोगों को अब 24 अप्रैल से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि वैक्सीनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन का काम करवाया जाता है। इसको लेकर भी अब सरकार ने अपनी तरफ से तारीख जारी कर दी है, जिसके तहत वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन और कोविन की वेबसाइट kovin.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। करारी हार के बावजूद शाहरुख खान ने केकेआर पर जताया विश्वास। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच काफी रोमांचक देखने को मिला था, जब कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अंत के ओवरों में रसल और पैट कमिंस ने बढ़िया साझेदारी की थी। हालांकि इसके बावजूद टीम जीत नहीं पाई, मगर शाहरुख खान को अभी भी अपनी टीम पर पूरा यकीन है। शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज रात कोलकाता नाइट राइडर्स को बैकसीट पर ले सकते हैं। मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स शानदार खेली, अगर हम बैटिंग पावर प्ले भूल सकते हैं, शानदार खेल बॉयज रसेल और दिनेश कार्तिक कोशिश करते हैं और इसे एक आदत बनाते हैं, हम वापस जरूर आएंगे।
अब ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी नहीं होने के बावजूद आप स्मार्टफोन से भी ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाकर चालान से बच सकते हैं। 2018 के सरकार के नियम के अनुसार अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में है तो आपको फिजिकल कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर में साइन इन करने के बाद आपको सर्च बार में ड्राइविंग लाइसेंस खोजना पड़ेगा या आपको उस स्टेट को सिलेक्ट करना होगा जिस स्टेट में आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, जिसके बाद आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,250 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,250 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,300 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.53 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 86.56 रुपए प्रति लीटर था। बिहार में कोरोना के मिले 11,000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड-19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 11,489 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावित मरीजों की संख्या 69,868 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 146, अरवल में 166, औरंगाबाद में 498, बांका में 60, बेगूसराय में 530, भागलपुर में 387, भोजपुर में 161, बक्सर में 128, दरभंगा में 112, ईस्ट चंपारण में 236, गया में 995, गोपालगंज में 187, जमुई में 108, जहानाबाद में 152, कैमूर में 47, कटिहार में 164, खगड़िया में 194, किशनगंज में 76, लखीसराय में 104, मधेपुरा में 179, मधुबनी में 179, मुंगेर में 239, मुजफ्फरपुर में 602, नालंदा में 309, नवादा में 173, पटना में 2643, पूर्णिया में 354, रोहतास में 155, सहरसा में 255, समस्तीपुर में 177, सारण में 441, शेखपुरा में 151, शिवहर में 49, सीतामढ़ी में 93, सिवान में 285, सुपौल में 197, वेस्ट चंपारण में 348 मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 43 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 5,308 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 293,945 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिल कुमार, साहिल कुमार, हिना खान, प्रभात कुमार, राजा कुमार, खुशी कुमारी, विवेक चौधरी, धर्मेंद्र कुमार, सूरज कुमार, यशी सिंह, राहुल कुमार, विनीता सिंह, अविनाश कुमार, रीना पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के एक बार फिर से बढ़ते माहौल के रोकथाम के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।